खुशामदीद, स्वागत छे, भली करे आया, जी आया नू, पखे रागले, नमस्कार, विश आहत, अहलन व सहलन मरहबा, देने के बाद पाना, अंग्रेजी का मकूला है कि हम देते हैं तब ही हम पाते हैं, इन गिविंग दैट वी रिसीव। इसकी एक मिसाल अक्टूबर 1986 में बर्तानिया की मलका का चीन का दौरा है। ये चीन के लिए बर्तानिया के किसी शाही फर्द का पहला तारीखी दौरा। चीन और बर्तानिया 100 साल से एक दूसरे के रवायती रकीब बने हुए थे। पाने का ये मामला देने के बाद हुआ। डेट रिपोर्ट पब्लिश इन टाइम मैगजीन 17 अक्टूबर 1986। उस दौरे की रिपोर्ट देते हुए ये मानी अल्फाज लिखे हैं, हर मैजिस्टी क्वीन एलिजाबेथ टू हैड लॉन्ग वाइज्ड अ डिजायर टू विजिट द People's Republic of China, but as long as Britain ruled a piece of Chinese territory, the Crown Colony of Hong Kong, such a journey was impossible. The 1984 Sino-British Agreement returning Hong Kong to China in 1997 provided the price of admission. मलका अल्बिस बहुत अरसे से इस ख्वाहिश का इजहार कर रही थी कि वो चीन जाना चाहती हैं, मगर जब तक बरतानिया चीन के एक हिस्से हांगकांग का हुक्मरान था, इस किस्म का सफर नामुमकिन बना रहा। 1984 में चीन बरतानिया मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक बरतानिया 1997 में हांगकांग को वापस कर देगा, और इस मुआहदे ने मलका अल्बिस के चीन में दाखले की कीमत अदा कर दी। बरतानिया ने हांगकांग के मामले में चीन के मुतालबे को मान लिया। इसके बाद ही ये मुमकिन हुआ कि इसके लिए चीन में तजारत का वसी दरवाज़ा खुले। अगरचे हांगकांग को दोबारा चीन के हवाले करना एक बेहद सख्त मामला था। टाइम्स के अल्फाज में इसका मतलब ये था कि बरतानिया का एक हीरा इसके ताज से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। यही मौजूदा दुनिया का कानून है। यहाँ दूसरों से लेने के लिए दूसरों को देना पड़ता। जो लोग दिए बगैर यकतरफा तौर पर दूसरों से लेना चाहते हों, उनके लिए मौजूदा दुनिया में कुछ भी पाना मुकद्दर नहीं।